हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके कौन कौन से इफेक्ट हैं। बेसिकली ये चैप्टर हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे है, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी सो दैट आप केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत अच्छे से जान सको। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट। करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? करंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। आपको पता है कि हमारे पास टू टाइप के चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलेंगे? करंट। ये कैसे है, चार्जेस क्या चीज है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस होते हैं, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिवर्स में देखें तो हर एक चीज जो है वो एटम से जुड़ के बनती है। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो किससे जुड़ के बनता है? वो एटम्स से जुड़ के बनता है। मीन्स जो भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है। तो एटम्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एटम्स के सेंटर में होता है न्यूक्लियस जिसपे होता है पॉजिटिव चार्ज, और इस एटम के सराउंडिंग हमारे पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये है इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अगर हम किसी भी मैटर को देखें, किसी भी चीज को देखें, हर एक चीज के अंदर एटम्स हैं। ये पेन है मेरे पास, ये भी एटम से बना हुआ है, ये पेपर भी एटम से बना हुआ है, ये टेबल फोन एवरीथिंग जो है वो किससे बने हुए हैं? एटम्स के। मीन्स हर एक एटम के बीच क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है नेचुरली। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से करंट पास होता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता। वो कैसे है? हमारे पास टू टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट। इंसुलेटर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है? कंडक्टर जो हैं इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो हमारे पास इंसुलेटर होते हैं इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नहीं होते, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, कंडक्ट नहीं करते। मींस इनमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा। मींस कंडक्टर में से चार्ज, बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि कंडक्टर में करंट क्यों होता है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं उनमें चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है, मीन्स इसमें चार्ज क्या है, फ्लो करता है, जिस वजह से ये क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इन केस ऑफ इंसुलेटर्स चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करेगा, चार्ज जो फ्लो नहीं करेगा, और यहाँ पे कोई भी करंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि वुड, पेपर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, रबर ऑल्सो। कंडक्टर में मेटल्स हैं बहुत सारी हमारे पास, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं कंडक्टर्स की। तो देखिए, सपोज करो मैं यहाँ पे एक वायर ली है, मैंने कॉपर की वायर है, और मैंने इसको बैटरी से कंडक्ट कर दिया। ये बैटरी का सिंबल है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो इसमें मान लीजिए इस वायर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? एटम से आए, क्योंकि कॉपर की वायर है वो किससे मिलके बनी होगी, एटम से मिलके बनी होगी। अगर हम देखें तो ये वायर मैंने ली है, इसमें क्या होंगे, ऐसे एटम्स होंगे। एटम्स हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों ही होंगे ना इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये एटम से बनी है वायर, तो एटम में दोनों ही चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव।
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये आपको पता ही है। तो हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है इनको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इनको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से क्या है हमारे पास यहाँ से जो बैटरी से निकल के इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी ये इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगी, कॉपर वायर को दे देगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ बैटरी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल के जा रहे हैं, वायर के अंदर। ऐसे जो है हमारे पास जो चार्ज, अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फ्लो नजर आ रहा है, यहाँ पे आगे आगे कौन जा रहा है, नेगेटिव चार्ज ही तो है, तो ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आगे आगे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे इस वायर में क्या होगा, करंट होगा, इस वायर में क्या होगा, करंट। ये तो था करंट के बारे में कि करंट क्या है, कैसे वायर्स में करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर में अगर हम देखें तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज वहां देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पे कोई भी करंट हमें नहीं दिखेगा। उसके बाद है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ करंट। स्टूडेंट हमारे पास जो करंट है बहुत सारे इफेक्ट शो करता है, जैसे कि हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है। कभी भी आपने कोई वायर को देखा होगा, जब हम उसको उसमें से करंट फ्लो करते हैं तो वो क्या है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो वो क्या है, करंट का हीटिंग इफेक्ट है। जैसे कि हमारा बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सारी सारी इनके जो अंदर फिलामेंट होता है वो क्या है, करंट की वजह से गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है और वो ग्लो करना शुरू कर देता है। आपने हीटर देखा होगा, हीटर घर में हम यूज करते हैं, और आयरन जो आपकी प्रेस होती है वो भी करंट उसमें क्या करता है, हीटिंग, हीट देने हीटर में और प्रेस में हीट बाहर आती है, तो वो किस वजह से है, करंट उसमें कौन सा इफेक्ट छोड़ता है, हीटिंग इफेक्ट। मीन अगर किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो वो वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, वायर गर्म हो जाने को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद है हमारे पास जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, अगर हम कोई भी मैग्नेट रखें, कंपास आपको पता है, अगर मैं उसको कनेक्ट कर दूं और आप किसी भी वायर के साथ कोई कंपास रखो और उस वायर को आप इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करो, मीन्स बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो आप देखोगे कि जो कंपास की सुई है, नीडल है, वो क्या है, डिफ्लेक्शन शो करती है। जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन शो होगी, मींस इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मींस जब किसी भी वायर में से करंट फ्लो करता है वो इफेक्ट डालेगा मैग्नेट के ऊपर, ये चीज हमें दिखाती है कि करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट होता है वायर के अंदर। उसके बाद है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज केमिकल इफेक्ट। ऑफ करंट केमिकल इफेक्ट क्या है, हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ लिक्विड्स हैं जो करंट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। सॉलिड तो हैं जैसे कि मेटल्स, कुछ लिक्विड भी हमारे पास ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जैसे ही हम उन लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो उसमें फ्लो ऑफ चार्ज होना शुरू हो जाता है, मींस वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इस टाइप के हमारे पास लिक्विड्स होते हैं जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एसिड एंड बेसिस। अगर हम एसिड, बेस और सॉल्ट, कुछ ये जरूरी नहीं कि सारे एसिड, सारे बेस, सारे सॉल्ट ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, कुछ हमारे पास सॉल्ट, कुछ एसिड, कुछ बेसिस हैं जिनको अगर हम सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में मींस अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। इन ड्राई फॉर्म वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इनमें से, पोज कर लो मैंने यहाँ पे वाटर लिया, इसके अंदर मैंने एसिड को डिसॉल्व कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ, इसमें से क्या है, करंट फ्लो करना शुरू हो गया।
तो ये क्या है हमारे पास, कुछ लिक्विड्स। इन लिक्विड्स को फिर हम क्या बोलते हैं जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सोल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, तो ये हमारे पास क्या बन गए, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो इतना देख लो कि हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं, जैसे ही हम उनको सोल्यूशन फॉर्म में लेके आते हैं, मींस वाटर में डिजोल्व करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मींस जैसे ही हमने, ये हमारे पास एक केमिकल का सोल्यूशन है, एसिड मैंने यहाँ पे डिजोल्व किया है, यहाँ पे ये सोल्यूशन किसका है, केमिकल का सोल्यूशन है ना। तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हमने देखी, इसको कनेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी से, इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होनी शुरू हो गई, जिस वजह से इसने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया, कंडक्ट किया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट। मीन्स अगर हम किसी भी सोल्यूशन को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी अगर उस सोल्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कुछ जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मींस उसके अंदर कोई चेंज आई है, जैसे ही हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, उसके अंदर कुछ चेंज आई, उस चेंज को ही हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी बेसिस पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हेलो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जैसे ही हम किसी सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम कवर करते हैं वन मेटल को विद अदर मेटल। सपोज कर लो ये मेरे पास है सिल्वर, ये मेरे पास सिल्वर की मेटल है, और मैंने यहाँ पे कॉपर की रिंग रखी है, और मैंने इस रिंग के ऊपर सिल्वर कलर करना है, सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग। इलेक्ट्रो मीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग होता है किसी के ऊपर प्लेटिंग करना, कवरिंग करना। मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया, मीन्स हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कवरिंग कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ये कैसे होता है, ये देखिए, इसका पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, इसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए कैसे। इसके लिए हमने सपोज कर लो, मैं सोल्यूशन, इसमें कोई भी सोल्यूशन हमने लिया है, अब हम उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सोल्यूशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया सिल्वर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने यहाँ पे सिल्वर लिया है, और यहाँ पे सपोज कर लो मैंने रखी है कॉपर की रिंग। आप कोई भी मेटल को, किसी भी मेटल के ऊपर प्लेटिंग कर सकते हो, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सिल्वर मैंने लिया है यहाँ पे, और कॉपर, ये है कॉपर और ये है हमारे पास सिल्वर, और ये है सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होगा, कोई भी हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे डिजोल्व किया है वाटर के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया है इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड्स भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं। जब हम इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं वो क्या बन जाता है, सोल्यूशन। तो यहाँ पे सपोज कर लो सोल्यूशन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसा सोल्यूशन हम लेंगे। अगर मैं दोनों मेटल को कनेक्ट करूं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, यहाँ पे हम लगाएंगे बैटरी, यहाँ पे मैंने मान लो बैटरी लगाई है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे
नेगेटिव, जहां पे पॉजिटिव हम बैटरी है ये हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं एनोड, यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लिखना है तो लिख भी सकते हो। तो ये हमारे पास एनोड पार्ट है, ये कैथोड है, इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ से हमारे पास जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर और बैटरी में एंटर करते हैं और सॉल्यूशन में एंटर करते हैं इनकी हेल्प से। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कोई भी मेटल हो, कोई भी मैटर, वो किससे बना है, वो एटम से बना है। सपोज कर लो ये हमारे पास सिल्वर की मैंने मेटल ली है, तो यहाँ पे सिल्वर का जो सिंबल है, साइंस में आपको पता है कुछ सिंबल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन के लिए सिंबल O है, सेम वे सिल्वर का सिंबल होता है Ag, और कॉपर के लिए सिंबल है हमारे पास Cu। एटम्स के लिए अगर मैं सिंबल देखूं, तो सपोज कर लो ये मेरे पास कॉपर की प्लेट मैंने ली है, थोड़ी मैं इसको मैग्नीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें सपोज कर लो ये एटम्स हैं, किसके एटम है, सिल्वर के एटम है, ये सारे सिल्वर है तो सिल्वर के ही एटम होंगे इसके अंदर। ये है सिल्वर, ये भी है सिल्वर, ये सिल्वर, सभी के ऊपर मैं एजी लिखने जा रही हूँ। तो उस साइड है हमारे पास कॉपर, कॉपर जो है उसमें भी सपोज कर लो रिंग है ना हमारे पास, तो मैं रिंग फॉर्म में ले लेती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे रिंग है, इसमें भी हमारे पास क्या है, सपोज कर लो ऐसे, मैं थोड़े बड़े बड़े बना देती हूँ। तो ये सारे हैं सी यू कॉपर। यस, तो देखो क्या होगा, जैसे ही ये हमारे पास सिल्वर की ये फॉर्म है, हमारे पास यहाँ पे है पॉजिटिव ऑफ बैटरी, तो सिल्वर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इस सिल्वर के पास इलेक्ट्रॉन है, सभी सिल्वर के पास इलेक्ट्रॉन है, इस कॉपर के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये बात नहीं है कि कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन आपने देखना है कि यहाँ पे मेरी बैटरी का पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पे है, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ के सिल्वर में से किसको खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे कि यहां से उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही सिल्वर में से इलेक्ट्रॉन, सपोज कर लो ये एटम में से बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो यहाँ पे इस सिल्वर एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे माइनस कम हो गया, पॉजिटिव इसके सेंटर में होता है, इसके लिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने देखना है कि जैसे ही मेटल के ऊपर चार्ज आ जाए, जब मेटल के ऊपर चार्ज आता है तो उसको आयंस बोलते हैं, जब वो मेटल आयंस होते हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन में, इजीली डिसॉल्व इन वाटर और सॉल्यूशन। तो सिल्वर में से इलेक्ट्रॉन खींच लिया बैटरी ने, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एजी प्लस कहाँ पे आ गए, इन द सॉल्यूशन। एजी प्लस क्यों आए, क्योंकि यहाँ इनके सभी के इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं, बैटरी के पास हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारी सिल्वर है वो थोड़ी सी यहाँ से क्या हो जाएगी, खुरनी शुरू हो जाती है, क्रोड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके एटम्स जो निकलने तो शुरू हो गए ना, वो सॉल्यूशन में आ गए, तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। पहले हमने ऐसे ली है सिल्वर, तो फिर बाद में आप देखोगे कि वो ऐसे होनी शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसके जो एटम्स हैं वो सॉल्यूशन में आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव सिल्वर आ गया, और यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉपर, उस
बाद क्या होगा, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं, कॉपर के पास आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे फ्लो हो रहा है चार्ज का, कॉपर के पास आ गए। जैसे ही कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास आ गया, तो सिल्वर के पास पॉजिटिव है तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, उसको वो क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमारे सिल्वर प्लस को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो क्या बन गया, सिंपल सिल्वर। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, डिपॉजिट। उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वहां पे वो क्या हो गया, डिपॉजिट। ऐसे ही दूसरा पॉजिटिव आता है, उसको भी इलेक्ट्रॉन मिलता है, वो भी यहाँ पे चिपक जाता है, तीसरा आता है वो भी यहाँ पे चिपक जाएगा। ऐसे करते करते सारी रिंग के ऊपर ये सिल्वर चिपकना शुरू हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये क्यों होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैटरी अट्रैक्ट करती है और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन देती है, जिस वजह से सिल्वर यहाँ से निकल के यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उनको इलेक्ट्रॉन मिलता है वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उनपे फिर कोई भी चार्ज नहीं होता और वो डिजोल्व फिर सोल्यूशन में नहीं होंगे, आयन फॉर्म में ही डिजोल्व होंगे। आयन फॉर्म क्या है, जब उनपे पॉजिटिव है तभी वो डिजोल्व होंगे, जब उनपे कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे ही सिल्वर को इलेक्ट्रॉन मिला तो उनका चार्ज गायब हो गया, अब ये न्यूट्रल बन गया। ये कौन सी स्पीशीज बन गई, न्यूट्रल। न्यूट्रल इस पे क्या हो गया, डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो ये थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऐसे हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप कोई भी मेटल ले लो, आप किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो। इसके हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि उसको रस्ट ना लगे, फॉर प्रिवेंटिंग रस्ट। रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए ज्वेलरी के ऊपर एक्सपेंसिव ज्वेलरीज होती हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि गोल्ड शाइन वाली ज्वेलरी, सिल्वर शाइन वाली ज्वेलरी आजकल अवेलेबल होती हैं जो ओरिजिनल लगती हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती, उनपे सिर्फ प्लेटिंग की जाती है कलर की, उनपे सिर्फ मेटल की प्लेटिंग होगी। जैसे कि गोल्ड की हमारे पास रिंग्स, हमें नहीं पता लगेगा कि गोल्ड की आर्टिफिशियल आजकल ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, गोल्डन ज्वेलरी भी आती है, सिल्वर ज्वेलरी भी आती है, प्लेटिनम भी। हम सिर्फ उनको कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से। जैसे कि यहाँ पे कॉपर पे मैंने किसकी प्लेटिंग कर दी, सिल्वर की, अब ये सिल्वर रिंग बन जाएगी। पहले ये कॉपर रिंग थी, अब ये सिल्वर रिंग बन गई। एक तो हम ऐसे ज्वेलरी को बनाने के लिए, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारे बहुत सारे जैसे कि पार्ट्स होते हैं, टैप्स हैं, उनके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग होती है, जो हमारे कार के बम्पर्स होते हैं वो शाइन करते हैं, और अलॉय व्हील्स होते हैं वो भी बहुत सिल्वर की तरह शाइन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट व्हील लोग यूज कर रहे हैं आजकल एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स में, वो सारा का सारा जो काम है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से किया जाता है। मतलब प्लास्टिक के ऊपर भी हम किसी भी मेटल की प्लेटिंग कर सकते हैं, उसको शाइन दे सकते हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोसेस, तो ये सिर्फ पॉसिबल है ड्यू टू करंट। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में। मैंने पहले छोड़ दिया था, इलेक्ट्रोलाइट बताया था। यहाँ पे आपने सोल्यूशन जो लेना है वो आपने लेना है अकॉर्डिंग टू मेटल। जो भी आपने मेटल ली है यहाँ पे नोड के ऊपर, उससे मिलता जुलता आपने क्या लेना है सोल्यूशन। जैसे कि मैं यहाँ पे सोल्यूशन लूंगी सिल्वर नाइट्रेट, मैंने सोल्यूशन लिया है सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने सिल्वर नाइट्रेट को डिसॉल्व किया वाटर में, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे पहले वाटर लिया था, इसके अंदर जैसे ही हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया तो वो क्या है, वो भी आयंस में टूट जाएगा, इसके आयंस बन जाएंगे ए पॉजिटिव एन ओ थ्री नेगेटिव। मींस सोल्यूशन में आप जो भी केमिकल लोगे वो भी आयंस में टूट जाएगा, और ए पॉजिटिव ये मेटल से भी आते हैं और सोल्यूशन में भी ऑलरेडी वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज का होना बड़ा जरूरी है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, यहाँ से फ्लो ऑफ चार्ज को बनाए रखते हैं, जिस वजह से करंट पास होता रहता है और प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। दूसरा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को सोल्यूशन में बैलेंस करके रखते हैं। तो ये दो काम थे इलेक्ट्रोलाइट के। इलेक्ट्रोलाइट का मेन फंक्शन क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
जब तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी तो रिएक्शन होती रहेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो रिएक्शन भी बंद हो जाएगी। रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना अंदर आना ये रिएक्शन है, ये बंद हो जाएगी। तो इसके अंदर AgNO3 का होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हम यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी मेटल को किस मेटल के ऊपर कोट करना है। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इन द एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल वन मोर थिंग रिगार्डिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हमने किसी भी सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, जैसे ही मैंने इसके अंदर से बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, इसके अंदर क्या होनी शुरू हो गई, केमिकल रिएक्शन शुरू होनी हो गई। केमिकल रिएक्शन जैसे कि यही है, मैंने देखा है जैसे ही AgNO3 को हमने डिसॉल्व किया वो टूट गया, उसके चार्जेस बन गए पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और इलेक्ट्रो का पता ही है आपको, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ तोड़ना केमिकल्स को। यहाँ पे टूट रही है तो केमिकल रिएक्शन ही तो हुई, कुछ चेंज आ गई ना केमिकल्स में, तो इस वजह से ये है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है वॉटर के बारे में। वाटर हमारे पास लास्ट है, वाटर हमारे पास कंडक्टर है या इंसुलेटर, ये भी आप देख लो, बहुत छोटा सा हमारे पास टॉपिक है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो अगर हम टैप वाटर की बात करें, जो टैप वाटर होता है वो होता है हमारे पास कंडक्टर, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो होता है हमारे पास इंसुलेटर। क्या मतलब है, टैप वाटर जो होता है उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिस वजह से जैसे ही टैप वाटर को हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वो केमिकल्स, वो आयंस बिजली को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी मिनरल, कोई भी आयन नहीं होता। जैसे ही हम डिस्टिल्ड वाटर को कनेक्ट करेंगे वहां पे ऐसा कोई भी अंदर डिस्टिल्ड वाटर के आयन नहीं होता, आयन मीन्स कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल नहीं होता जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे। इस वजह से तो डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास जो प्योर वाटर होता है वो इंसुलेटर है, जो टैप वाटर होता है